दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन में YouTube ऐप को ओपन करते हैं और स्क्रॉल अप डाउन करते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें जो वीडियोस होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। तो आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं? अगर आप चाहे तो ऑटो प्ले को ऑन भी रख सकते हैं या फिर आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप इस सेटिंग्स को कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिव्यास माजी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में YouTube ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं तो कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अगर इसे ऑन करना है फिर ऑफ करना है, आपको एक्सप्लोर में क्लिक करना होगा। टॉप में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन है, एक्सप्लोर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद टॉप में राइट साइड में जो थ्री लाइन का या थ्री डॉट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो प्ले ऑन होम, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है ऑलवेज ऑन, यानी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, कहीं पर भी ये प्ले हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में नेट ऑन है या फिर वाईफाई के साथ कनेक्ट है, हमेशा वो प्ले होते रहेगा। जैसे ऑन करेंगे और ओके कर देना है तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, चलिए होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो वीडियोज़ प्ले हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली वीडियोज़ प्ले हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है जैसे हम लोग स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो फिर से एक्सप्लोर में क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, ऑटो प्ले पे आ जाइए। और यहाँ पे अगर आप वाईफाई ऑनली करेंगे तो जब आपका डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा तभी ये ऑटो प्ले होगा। अगर आप ऑफ करके रखेंगे और ओके कर देंगे तो ये कभी भी प्ले नहीं होगा। अगर आपके डिवाइस में नेट ऑन है या फिर अगर आपका डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो कभी भी आपका जो वीडियोज़ है होम स्क्रीन पे वो प्ले नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वीडियो मेरा प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन पे जो वीडियोज़ है उसे ऑटो प्ले को ऑफ भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसे ऑन भी रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।